हेलो एवरीवन कैसे हैं आप सब दोस्तों आपका फिर से एक बार मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है मैं हूँ विभापाध्या है और दोस्तों आज मैं बात करूँगी मोदी केयर सैनिटरी नेपकिन फ्रीडम के बारे में दोस्तों शायद आपको पता होगा जनरली हमारे और आपके घरों में नैपकिन के बारे में बात नहीं की जाती है लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है एक औरत अपने पूरे जीवन में पाँच हज़ार से ले कर सात हज़ार तक के नैपकिन यूज़ कर लेती है तो दोस्तों कितना ज़रूरी है उसका सुरक्षित होना क्योंकि ये एक ऐसी प्रॉब्लम है अगर हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे तो समस्याएं दिन पर दिन बढ़ती जाती हैं आजकल के नैपकिन में ज़्यादातर गार्बेज का ही यूज होता है ज़्यादातर प्लास्टिक से जो भी गारबेज निकलता है उससे नैपकिन तैयार की जाती है अब दोस्तों आज के समय में हर स्त्री हर लेडीज़ नेपकिन यूज करती है पर क्या वो नैपकिन हार्मफुल नहीं है नैपकिन अगर बहुत ज़्यादा हार्मफुल है तो वो देता है रेसेज वो देता है बहुत सारी प्रॉब्लम वो देता है हमें संक्रमित बीमारियाँ तो दोस्तों आइए हम देख देखते हैं कि हमें पीरियड्स के दौरान क्या क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए सबसे पहले हर लेडीज को हाइजीन रखना चाहिए खुद को हाइजीन रखना चाहिए खुद की साफ सफाई रखनी चाहिए नियमित रूप से पैड बदलने चाहिए दुर्गंध और संक्रमण को रोकने के लिए नए पैड बदलने से पहले अपने शरीर की अच्छे से सफाई कर लें नियमित स्नान करना चाहिए हमें संक्रमण से और रैसेस से बचाव होता है इससे और दोस्तों मोदी केयर नैपकिन की के अगर मैं बात करूं तो ये फाइव इन वन है ये फाइव इन वन टेक्नोलॉजी से बनाया गया है इसमें आठ लेयर है सबसे फर्स्ट लेयर जो है ये बेहतर सोखने की तकनीक से तैयार की गई है इसमें साइट सुरक्षा है जो कि हमें साइट से गीलेपन से सुरक्षित रखती है दूसरी जो चीज़ है वो है रेवोल्यूशनरी अत्यंत सुविधाजनक और लिक्विड को तीन गुना तक सोखने का पावर रखता है ये और इसमें यूज किया गया है प्रीमियम सॉफ्ट सॉफ्ट कॉटन तीसरी चीज सुपर लेयर ये जो लेयर यहाँ पे दिख रही है ये सुपर सॉफ्ट लेयर है एंटीबैक्टीरियल क्षमता को बढ़ाने के लिए और असुविधा से छुटकारा दिलाने के लिए रेवोल्यूशनरी एनियन मैग्नेटिक नैनो सिल्वर काइटिन और फार इंफ्रा पैडिंग हुई है इसमें और दोस्तों चौथी जो सबसे जरूरी चीज इसमें यूज हुई है वो है चौथी स्ट्रेलाइजर लेयर फ्रेश और हवादार फीलिंग के लिए ये विसंक्रमित लेयर है जो कि आपको आपको स्वस्थ रखेगी फ्रेश रखेगी और हवादार फीलिंग देगी और हमें संक्रमण से बचाएगी पांचवी जो चीज है इसमें वो है फ्लूड लॉक ये फ्रेश और हवादार फीलिंग के लिए फ्लूड को लॉक कर देता है फ्लूड लॉक पार्टिकल्स लगे हुए हैं इसमें। छठी चीज जो है वो है दोस्तों सुपर सॉफ्ट लेयर सॉफ्टनेस के लिए सुपर सॉफ्ट लेयर का यूज किया गया है सातवीं चीज जो है वो है ब्रेथेबल लेयर इसमें आपको थोड़ा भी ये नहीं फील होता है कि जैसे कि आ, कुछ यूज कर रहे हो बंधे बंधा बन, बंधा सा फील हो क्योंकि ब्रेथेबल लेयर है ब्रेथेबल लेयर से हमें बहुत ही कूल ठंडा ऐसी फीलिंग आती है और ये नमी को दूर करता है ठंडा और फ्रेश रखता है ब्रेथेबल लेयर आठवीं जो चीज है आठवीं ये आठवीं लेयर नीचे से ये जो दिख रही है ब्लैक कलर की इसको स्पेशली डिजाइन किया गया है एक्स्ट्रा आराम देने के लिए ह्यूमन एग्नो से, से तैयार किया गया है ताकि आपको सुपर सॉफ्ट लेयर मिले और काफी आरामदायक आपको फीलिंग हो दोस्तों रिवोल्यूशनरी फाइव इन वन टेक्नोलॉजी में और क्या क्या बातें हैं मैं आपको बताऊं इसमें है काइटिन काइटिन प्रतिरक्षा को बढ़ाता है डिटॉक्सिफिकेशन विसंक्रमण और माइक्रोस्पिरिएशन में वृद्धि के लिए जाना जाता है दूसरी जो चीज है वो है एनियन प्रमुख रूप से ये औरतों को होने वाले रोगों के स्रोत को दबाने के लिए जाना जाता है तीसरी चीज है नैनो सिल्वर नैनोसिल्वर अपने शक्तिशाली एंटीबैक्टीरियल प्रभाव के लिए जाना जाता है जिसका इस्तेमाल जीवाणु वृद्धि के कारण हुए संक्रमण के इलाज के लिए मुख्य रूप से किया जाता है दोस्तों हम औरतों हम महिलाओं को अक्सर ऐसा होता है कि हमें बार बार यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है तो उस इन्फेक्शन से भी ये पैड अगर हम रेगुलर यूज करते हैं तो उस इन्फेक्शन से भी हमारा बचाव होता है चौथी चीज़ जो है फार इंफ्रारेड ये ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाती है और सेल्स को भी बढ़ाती है हमारे बॉडी में पांचवी चीज़ है मैग्नेटिक शरीर में बायोकरंट को सक्रिय करने के लिए मैग्नेटिक को जाना जाता है जो शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है और त्वचा रोग जो कि आमतौर पर महिलाओं को होते रहते हैं पीरियड्स के दौरान जैसे कि खुजली खारिश से ये हमें छुटकारा दिलाता है और दोस्तों पैकिंग की बात करूं तो आप ये देख सकते हैं ऐसे हम इसे ओपन करते हैं और इसमें से पैड निकाल सकते हैं पैड निकालने के बाद हम इसे वापस बंद कर देते हैं ये पूरी तरह से लॉक हो जाता है हमें कहीं से भी पैकेट फाड़ने की जरूरत नहीं है और जब पैकेट फट जाता है तो उसमें कई तरह के बैक्टीरिया भी अंदर जा सकते हैं जो कि पैड एक ऐसी चीज है जिसे बहुत ही हाइजीनिक होना चाहिए और दोस्तों आइए इसकी क्वालिटी चेक कर लेते हैं कि इतना अच्छा जो पैड है जो हमें इतना कुछ दे रहा है फाइव इन वन टेक्नोलॉजी से बना हुआ है ये पैड तो हम इसकी क्वालिटी चेक करते हैं कि इसकी क्वालिटी कैसी है हमने एक मार्केट का जाना माना ब्रांड लिया है आप सब मेरे ख्याल से इसे पहचानते होंगे और दूसरा मैंने लिया है मोदी केयर का फ्रीडम सैनिटरी नेपकिन मैं दो ग्लास ले लेती हूं दो ग्लास में मैंने नील ले लिया है नील हम इसलिए दिखाते हैं क्योंकि नील एक तरह का बैक्टीरिया होता है नील की खेती जहां भी होती है वहां पे सारे खेत बंजर हो जाते हैं तो नील से हमने बैक्टीरिया को क्रिएट कर लिया है अब एक ग्लास में हम डालेंगे मार्केट का बहुत ही फेमस ब्रांड हम ये देखना चाहते हैं कि इसकी सोखने की क्षमता कितनी है क्योंकि महिलाओं को पीरियड्स के दौरान बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है इसलिए एक अच्छे पैड की रिक्वायरमेंट होती है एक ऐसा पैड जो हम सबको बैक्टीरिया फ्री रखे साथ में उसके उसकी एबजॉर्व करने की पावर बहुत अच्छी हो तो ये मैंने रोल कर लिया है मार्केट के ब्रांड को और ये मैंने ग्लास में इसको डाल दिया है और दूसरा मैंने ये फ्रीडम नैपकिन लिया है मोदी केयर का इसे भी मैं अच्छे से रोल कर लेती हूं ये इसे भी मैंने इस ग्लास में डाला पहले मैं इसको घुमाती हूं ये जो मार्केट का नेपकिन है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन टवेल्व थर्टीन फोर्टीन इसे भी मैं फोर्टीन बार ट्विस्ट करती हूँ थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन थर्टीन फोर्टीन ये देखिए पूरी तरीके से इसने पानी सोख लिया जरा सा बच गया है हम इसे भी इसमें घुमा देते हैं जैसा कि हम सब देख सकते हैं इसकी सोखने की क्षमता कितनी अच्छी है हम ग्लास को यू पलट सकते हैं अब इसको मैं साइड में रख देती हूँ बाकी हम देखते हैं ये जो मार्केट का ब्रांड है इसको मैं और घुमाती हूँ और ज्यादा ट्विस्ट करती हूँ ये देखिए एट नाइन टेन इसको दोस्तों चाहे जितनी भी बार घुमाइए कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है तो एस और ये देखिए क्या हम इस ग्लास को पलट सकते हैं बिल्कुल भी नहीं मैं तो नहीं पलट सकती और ये देखिए कितनी अच्छी इसमें एबजॉर्व करने की पावर है और इसको देखिए इसको मैंने जोर से दबाया है बट एक बूंद भी नहीं निकल रहा है तो दोस्तों मार्केट में ऐसे ब्रांड अवेलेबल है क्या हम सबको ये यूज करना चाहिए या मोदी केयर का फ्रीडम यूज करना चाहिए ज़रूरत हमारी ज़रूरत आपकी सोच हमारी सोच आपकी तो हम सोच सकते हैं कि हमें क्या यूज करना चाहिए मोदी केयर का जो नैपकिन है ये पूरी तरह से ड्राई है आप देख सकते हैं और मैं मार्केट के ब्रांड को भी दिखाती हूँ चेक करती हूँ पूरी तरह से उंगलियाँ गीली हो गई हैं ये गीलेपन को लॉक नहीं कर पाता है और मैं मोदी केयर की बात करूँ तो जितना भी इसमें मैंने पानी डाला है नील का ये सारा जेल में कन्वर्ट हो गया है इसीलिए थोड़ा सा भी टपक नहीं रहा है पानी के रूप में और सबसे अच्छी बात ये हमें बैक्टीरिया फ्री करता है ये जो चिप है ये चिप मैं आपको दिखाती हूं ये बहुत ही कमाल की चीज है जो कि हम सबकी जरूरत है हमारी आपकी ये एक ऐसा चिप है जो हमें बैक्टीरिया फ्री तो रखता ही है साथ में हमें एनर्जी भी देता है तो दोस्तों ऐसी क्वालिटी का हमारा नैपकिन है तो आइए मोदी केयर फ्रीडम यूज़ करते हैं ताकि हमें मिले सुरक्षा और हमें मिले कोई भी बीमारी हमें न हो हमें बीमारी से बचाव मिले क्योंकि पैड या नैपकिन एक ऐसी चीज़ है जो कि हम औरतें बहुत ज़्यादा यूज़ करती हैं और उससे बहुत ज़्यादा अगर हम मार्केट के पैड यूज़ करते हैं तो हमें बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कितना भी महंगे से महंगा हम पैड लेके आते हैं लेकिन रेसेज खुजली और ज़्यादातर मैं लोगों से सुनती हूँ कि यूरिन इन्फेक्शन नाम बात है तो दोस्तों मोदी केयर फ्रीडम अपनाएं और इन सारे प्रॉब्लम से छुटकारा पाए तो दोस्तों रेगुलर अपडेट के लिए आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा हो तो चैनल को कर दीजिएगा लाइक चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और मैं फिर आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में बाय बाय